हर हर महादेव। आप सभी साथियों को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे नागपंचमी के दिन राशि के अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन माह को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इसी माह में सबसे महत्वपूर्ण पर्व नागपंचमी भी आता है। नागपंचमी के दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ राहु केतु और काल सर्प दूसरे बुरे प्रभावों से छुटकारा भी मिल सकता है। नागपंचमी के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिसको करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस पोस्ट में जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको नागपंचमी की पूजा में क्या उपाय करने चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। क्योंकि राशि के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है। तो पहले जानते हैं नागपंचमी पर राशि अनुसार आपके लिए कौन से मंत्र हैं। मेष राशि को नागपंचमी के दिन ओम वासुकी नमः का जाप करना चाहिए और वृषभ राशि के लिए राशि मंत्र है ओम शूलिनी नमः और मिथुन राशि के लिए मंत्र है ओम सर्पाय नमः। कर्क राशि के लिए मंत्र है ओम अनंताय नमः। सिंह राशि को नागपंचमी के दिन ओम कर्कोटाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं कन्या राशि को इस दिन ओम कम्बलाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और तुला राशि को नागपंचमी के दिन ओम शंख पालाय नमः मंत्र का जाप करना है और वृश्चिक राशि के लिए नागपंचमी का मंत्र है ओम तत्काय नमः। और धन राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन ओम पृथ्वी धराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं मकर राशि को इस दिन ओम नागाय नमः मंत्र का जाप करना है और कुंभ राशि के लिए नागपंचमी का मंत्र है ओम कुलीशाय नमः। और मीन राशि को नागपंचमी के दिन अश्वत्थराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थे 12 राशियों के 12 मंत्र नागपंचमी पूजा के लिए। और अब जानते हैं नागपंचमी के दिन राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को नागपंचमी के दिन रुद्राष्टाध्याय का पाठ करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को राहु ग्रह से संबंधित दोषों से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्याय का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है और नागपंचमी के दिन वृषभ राशि वाले ये उपाय करें। वृषभ राशि वालों को नागपंचमी के दिन तांबे का टुकड़ी बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन तांबे का एक टुकड़ा बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। और अब जानते हैं नागपंचमी के दिन मिथुन राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को नागपंचमी के दिन मूंग की दाल जरूरतमंद को दान करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन मूंग की दाल जरूरतमंद को दान करनी चाहिए। इससे कुंडली में स्थित राहु शांत हो सकता है। और इसके साथ ही मिथुन राशि के जातक को नागपंचमी से शुरू करके अगले 40 दिन तक कुष्ठ रोगों को मूली का दान करें। और अब जान लेते हैं इस दिन कर्क राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए। कर्क राशि वालों को नागपंचमी के दिन बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए।
कर राज के जातकों को नाग पंचमी के दिन बहते पानी में नारियल प्रवाहित करना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जाकर नाग के आकार की प्रतिमा चढ़ानी चाहिए। और आप जानते हैं सिंह राशि का उपाय नाग पंचमी के लिए, सिंह राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन सूखा नारियल जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन सूखा नारियल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपके सभी काम संपन्न होंगे। और अब जान लेते हैं कन्या राशि का उपाय। कन्या राशि वालों को नाग पंचमी के दिन बीमार व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन किसी बीमार व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इससे सेहत से जुड़ी आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आप जानते हैं नाग पंचमी पर तुला राशि का क्या उपाय है। तुला राशि वालों को नाग पंचमी के दिन शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन घर में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और वृश्चिक राशि वालों को ये उपाय करना है। वृश्चिक राशि वालों को नाग पंचमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पीले फूल और लड्डू चढ़ाना चाहिए। और अब जानते हैं नाग पंचमी पर धनु राशि वालों का उपाय। धनु राशि वालों को नाग पंचमी के दिन आटे और चीनी का मिश्रण बनाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन आटे और चीनी का मिश्रण बनाकर भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद गरीबों को बांट देना चाहिए। और मकर राशि वालों को नाग पंचमी के दिन भंडारे का आयोजन करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन भंडारे का आयोजन करना चाहिए और काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। और आप जानते हैं नाग पंचमी के दिन कुंभ राशि वालों का क्या उपाय है। कुंभ राशि वालों को नाग पंचमी के दिन बहते पानी में कोयला प्रवाहित करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन बहते पानी में कोयला प्रवाहित करना चाहिए और ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और नाग पंचमी के दिन मीन राशि वालों को रुद्राभिषेक करना चाहिए। मीन राशि वालों को नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और रुद्राभिषेक करना चाहिए। और इस उपाय के साथ ही मीन राशि वालों को आज शिव मंदिर में अष्ट धातु का कड़ा अर्पित करके अपने हाथ में पहने। तो ये थे नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले राशि अनुसार आपके लिए उपाय और आपकी राशि के पूजा के मंत्र। आप इन उपायों को अवश्य करें, साथ में उन मंत्रों का जाप करें। इससे आपके जीवन के सभी तरह के दुख दर्द और तकलीफें दूर होंगी, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। हमें अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नाग पंचमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे दोस्तों अपनी एक परेशानी शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके चलते पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।